हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जिन प्लांट्स को हम छोटी छोटी प्लास्टिक की बॉटल्स में इजीली ग्रो कर सकते हैं। छोटी बड़ी जिस भी साइज़ की बॉटल हो उस बॉटल में प्लांट्स जो हैं इजीली ग्रो हो जाते हैं और काफ़ी अच्छे ग्रो करते हैं। वो बड़े भी होते हैं, यूँ कहें कि एक प्लांट का एक लाइफ साइकिल हम उन बॉटल्स में ही कैप्चर कर सकते हैं। क्यों छोटी बड़ी उन बॉटल्स में हम उन प्लांट्स को लगा सकते हैं और अपने गार्डन को कलरफुल लुक दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बताती हूँ कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिन्हें अगर आप बॉटल्स में लगाएंगे तो आपका पर्यावरण तो अच्छा रहेगा ही, क्योंकि बॉटल्स रिसाइकल कर रहे होंगे आप, उसके साथ साथ आपके जो प्लांट्स हैं उनको भी एक अलग से नया घर मिलेगा जो दिखने में, क्योंकि बॉटल्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, आपके गमलों से भी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। तो चलिए बताती हूँ कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिन्हें हम बॉटल्स में ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला प्लांट आता है सिंगोनियम। सिंगोनियम का जो वैसे तो प्लांट रहता है, जो पत्ते रहते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। सिंगोनियम की स्टेम देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। लेकिन इस बड़े बड़े प्लांट को, इनके बड़े पत्ते वाले बड़े बड़े स्टेम वाले इस प्लांट को हम ईजिली छोटे से छोटे कंटेनर में, छोटी से छोटी प्लास्टिक की बोतल में ग्रो कर सकते हैं। और ये प्लांट सिर्फ ग्रो ही नहीं होता, इसमें काफ़ी बड़ा भी होता है। देखिए इस तरह से, ये बोतल तो बड़ी है, आपको मैं छोटी छोटी और भी काफ़ी सारी बोतल दिखाती हूँ जिसमें मैंने अपना जो है सिंगोनियम ग्रो किया है। तरह से देखिए, ये वाली बोतल आप देख सकते हैं, 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक की बोतल, और इसमें प्लांट देखिए कितना बड़ा प्लांट है ये। अभी और भी सिंगोनियम हैं जो मैंने बोटल्स में लगाए हैं, और सिंगोनियम तो मैं स्पेशली बोटल्स में लगाती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छे ग्रो होते हैं हमारे सिंगोनियम। ये देखिए, ये छोटी सी 2 लीटर की बोतल को मैंने 3 बार कट किया था, और आप देख सकते हैं 3 बार कट होने के बाद एक बोतल कितनी बड़ी रह जाती है। और उसमें देखिए जो प्लांट है सिंगोनियम का कितना ज़्यादा बड़ा है, यानी कि सिंगोनियम को तो आप इजीली बोतल्स में ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए प्लांट हमारा किस तरह से बड़े होने के बाद, क्योंकि ये फाइन प्लांट रहता है हमारा, गिरना शुरू हो जाता है। इसको मेंटेन करने के लिए हमें कोई स्पोर्ट इसमें लगाना पड़ता है, लेकिन मैंने बड़े गमलों के बीच में लगाया है इसलिए इजीली चल जाता है हमारा प्लांट, ऐसे भी खड़ा हो जाता है बड़े गमलों के बीच में। लेकिन अगर आप इस तरह की बोटल्स में इसको ग्रो करते हैं, या तो इसे किसी सहारे रस्सी से बांध दीजिए या फिर इसके साथ कोई स्पोर्ट लगा दीजिए। जो सिंगोनियम रहता है इसकी छोटी बड़ी, या फिर जो बड़े पत्ते वाली, छोटे पत्ते वाली, वेरिएशन वाली, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ को आप बोटल्स में ट्राई कीजिए, ये काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। सिंगोनियम को वैसे तो हम बड़े बड़े कंटेनर्स में लगाते हैं, छोटे बोटल्स में हम कम लगाते हैं क्योंकि सिंगोनियम बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करता है। और हमारे जितने भी हम जो भी छोटा कंटेनर लेते हैं, 5-7 महीने में वो पूरा का पूरा कंटेनर हमारा भर जाता है। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे मनी प्लांट, यानी कि पोथोस। पोथोस की आप ढेरों वेराइटीज़ लेंगे और उन्हें अलग अलग बॉटल्स में लगाएंगे तो आप देखिए कितना डिफरेंट सा आपके गार्डन को लुक मिलता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट आप साइज़ की शेप्स की बॉटल्स लेंगे और उनमें फिर पोथोस लगाएंगे तो आपका गार्डन वैसे ही कलरफुल हो जाएगा। और पोथोस की जितनी सारी वेराइटीज़ रहती हैं उन सबके कलर वेरिएशन बहुत ही डिफरेंस रहते हैं, तो आप पोथोस को भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए छोटे छोटे प्लांटर्स में, यानी कि छोटी छोटी बॉटल्स में। पोथोस के साथ साथ आप फिलोडेंड्रोन की भी जो वेराइटीज़ आती हैं उन्हें भी बोटल्स में लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी से चलती हैं, क्योंकि वाइन वाले जितने भी प्लांट रहते हैं उन सभी प्लांट्स को हम बोटल्स में लगा सकते हैं क्योंकि उनकी कटिंग्स काफ़ी अच्छे से चलती हैं। और कटिंग से चलने वाले जितने भी प्लांट हैं उन सबको ही हम बोटल्स में लगाएंगे, वो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और इसके बाद आता है हमारा तीसरे नंबर पर खूब सारे पैसे बरसाने वाला प्लांट, यानी कि डॉलर प्लांट, चाइनीज़ कॉइन प्लांट, मनी ट्री। इस तरह से देखिए कॉइन प्लांट, ढेर सारे इसके नाम है, और दिखने में भी ये प्लांट उतना ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसकी भी आप इन कटिंग्स को, छोटी छोटी कटिंग्स को बॉटल्स में लगाएं, थोड़े दिनों बाद ही बॉटल्स इजीली भर जाती हैं क्योंकि ये प्लांट जो है खुद को बहुत ज़्यादा जल्दी मल्टीप्लाई करता है। इस तरह से इस प्लांट में ना रूट्स में से अलग अलग ब्रांचेस निकलती रहती हैं और काफ़ी जल्दी ये प्लांट जो है खुद को डिवाइड कर लेता है, थोड़े ही दिनों बाद आपका जो गमला है पूरी तरह से भर जाता है। ये वाली वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी इसके प्रोपोगेशन की, तब इस जो ये प्लास्टिक का ग्लास है इसमें मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी, और अब आप इन कटिंग्स को देख सकते हैं किस तरह से कटिंग जो है बढ़ चुकी हैं। और देखिए इस तरह से इसकी जो टहनियाँ हैं वो भी अब लटकना शुरू हो गई हैं, यानी कि अब हम इन्हें किसी हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं, ये काफ़ी रेडी है उसके लिए।
इसके बाद आती है हमारी टर्टल वाइन। टर्टल वाइन को भी हम इजीली छोटी छोटी बॉटल्स में ग्रो कर सकते हैं, और टर्टल वाइन तो जो है काफ़ी स्पीड से ग्रो होने वाला प्लांट है, तो इसको हम जितने मर्जी उतने छोटे कंटेनर में ग्रो करेंगे तब भी ये प्लांट जो है थोड़े ही दिनों में अपने स्टेम्स को निकालेगा और काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और काफ़ी खूबसूरत लगती है इस तरह की जब बॉटल्स में हम टर्टल वाइन को लगाते हैं और उसे हैंगिंग प्लांटर के तौर पर यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है हमारा वॉन्डरिंग जू। वॉन्डरिंग जू प्लांट को अगर हम प्लास्टिक की बॉटल्स में लगाते हैं तो काफ़ी खूबसूरत लगता है, क्योंकि प्लांट जो है एक हैंगिंग वाइन वाला प्लांट है। अगर इसको हम लटकाते हैं किसी भी बॉटल में लगा करके तो प्लांट है थोड़े ही दिनों बाद इसकी जो टहनियाँ हैं वो काफ़ी लंबी लंबी हो जाती हैं, और बॉटल्स हमारा एक सस्ता सा अच्छा सा ऑप्शन है कि हम इस प्लांट को लगाएं और ये प्लांट अपने आप को मल्टीप्लाई करता जाए, अपने आप को बढ़ाता जाए और धीरे धीरे जो इसकी स्टेम्स हैं वो काफ़ी लंबी लंबी हो जाती हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से लंबी लंबी स्टेम हो जाती हैं। इसको जब हम रंग बिरंगी बॉटल्स में लगाते हैं तो ये पर्पल ग्रीन सिल्वर कलर के कॉम्बिनेशन वाला प्लांट आपके गार्डन को काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। इसमें अब नेक्स्ट आता है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी बॉटल्स में इजीली प्लास्टिक की बॉटल में लगने वाला प्लांट है। स्पाइडर प्लांट को तो हम किसी भी कंटेनर में लगा सकते हैं। आप इसे 1 इंच से लेकर 10 इंच, 12 इंच, 15-20 इंच, जितना मर्जी हो छोटे से छोटा और बड़े से बड़े कंटेनर में लगाएंगे तो आपका ये जो प्लांट है इजीली ग्रो करता है। किसी भी तरह की बॉटल्स में लगाएं आप इसे, आप वर्टिकल लगाएं, आप हॉरिजॉन्टल लगाएं, किसी भी तरह से लगाएं छोटे बड़े कंटेनर्स में, काफ़ी जल्दी अपने आप को मल्टीप्लाई भी करता है और काफ़ी स्पीड से आपका प्लांट ग्रो भी करता है। अगर आप इस तरह से इसका एक छोटा सा बेबी प्लांट लगाते हैं किसी भी बोतल में तो आप देखेंगे सिर्फ एक सीज़न में 5 और 6 महीने में ही प्लांट अपने आप को एकदम से मैच्योर कर लेगा कुछ इस तरह का, और धीरे धीरे देखिए उसमें भी ढेरों इस तरह के स्पाइडर्स आ जाएंगे जिन्हें आप दोबारा से प्रोपोगेट करके नए नए आपके जो और ज़्यादा बोतल प्लांटर्स जो हैं तैयार कर पाएंगे। इसके बाद आता है हमारा पर्पल हार्ट प्लांट। पर्पल हार्ट प्लांट तो हमारा एक बेस्ट प्लांट है। बिगिनर्स अगर आप इस प्लांट को लगाना चाहते हैं, बिना पैसे के बागवानी करना चाहते हैं, तो आप अपने घर की किसी भी वेस्ट बोतल को लें और उसमें छोटा से छोटे इसकी जो टहनियाँ होती हैं कहीं से भी अगर आपको प्लांट मिले किसी दोस्त से, किसी नर्सरी में जाए तो कहीं टुकड़े गिरे हुए मिलते हैं, अगर आप उन्हें उठा लेंगे तब भी ऐसा सही चलेगा आपका प्लांट, क्योंकि मैंने भी कहीं से ये प्लांट लेकर ही आया था। सिर्फ इस तरह की इसकी एक दो छोटी छोटी स्टेम लेकर आई थी और आज देखिए इस प्लांट के मैंने ढेरों प्लांटर्स अपने तैयार किए हैं, बॉटल्स में भी लगाया है, हैंगिंग मैंने प्लांटर्स बनाए हैं इसके, कुछ टोकरियां बनाई हैं, कुछ इसके मैंने गमले बना रखे हैं। हर तरह से जहां आपको मौका मिले आप इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। इस तरह से ये प्लांट भी काफ़ी खूबसूरत लगता है इन बॉटल्स में लगा हुआ, रंग बिरंगी बॉटल्स में ये डार्क पर्पल कलर का जो प्लांट रहता है, इस प्लांट में जो है फ्लावर्स भी आते हैं जो इसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पोर्चुला का और पर्सलेन, यानी कि गर्मियों के बेस्टेस्ट फ्लावरिंग प्लांट। इन प्लांट्स को भी हम बॉटल्स में इजीली लगा सकते हैं और ये प्लांट्स तो बॉटल में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो होते हैं। अगर आप इनकी छोटी से छोटी कटिंग्स को भी लगा लेते हैं तो 10 से 15 दिनों बाद ही आपकी जो बॉटल है जिसमें भी आप इसकी कटिंग लगाते हैं वो पूरी तरह से भर जाती है। देखिए कुछ इस तरह से आप इनको बॉटल्स में लगाएंगे तो इसकी फ्लावर्स जो हैं आपको दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। अलग अलग कलर्स वैरायटीज़ में इसकी जो फ्लावर्स आते हैं, आप पोर्चुला का और पर्सलेन को तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि इस तरह के जो फ्लावर प्लांट जो रहते हैं काफ़ी अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं बहुत ज़्यादा ज़्यादा जल्दी। इन्हें आपको गमलों में भी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह की जो वेस्ट बॉटल्स हैं उनका भी यूज अच्छे से हो जाएगा। और इसके बाद बारी आती है हमारी स्वीट पोटैटो, यानी कि हमारी शकरगंद की बेल की। ये बेल भी पर्पल में आती है, ग्रीन में, इसमें वेरिगेशन में भी आती है। आप जो मर्जी चाहें अपनी इस प्लांट को लगा सकते हैं बॉटल्स में, काफ़ी खूबसूरत लगती है। पर्पल वाली जो होती है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। पर्पल वाली जो मेरी सर्दी में ख़राब हो गई थी, अभी मेरे पास ये ग्रीन वाली है। इसका जो वेरिगेशन है हल्का सा पिंक कलर और सिल्वर कलर का, ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आप स्वीट पोटैटो की जो वाइन है उसको भी ट्राई कर सकते हैं अपने इन प्लास्टिक के छोटे छोटे बॉटल्स वाले प्लांटर्स में। और अभी मैं आपको एक ऐसा प्लांट दिखाने वाली हूँ जो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर लेता है छोटी से छोटी बोतल में। देखिए इस तरह से, ये है पत्थर चट्टा का प्लांट।
पत्थर चट्टा का जो मैंने छोटी छोटी कटिंग्स लगाई थी 2-3 साल पहले इस बोतल में, और अब आप देखिए किस तरह से कितना बड़ा ये प्लांट हो गया है हमारा। इसी तरह से पत्थर चट्टा के मैंने कई प्लांट लगाए हैं इन बोटल्स में। इनको मैं रिपोर्ट भी नहीं करती हूँ क्योंकि ये जो है प्लांट है वो ईज़िली इसमें बिना रिपोर्ट के भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी बड़ा हो जाता है, और ये प्लांट काफ़ी हार्डी भी रहता है। देखिए इस तरह से इसके स्टेम्स देख सकते हैं, जहाँ इन्हें जगह मिलती है, जैसे कि ग्राउंड पर रखा हुआ था इन्हें जगह मिली तो वहीं से ही दोबारा से मुड़ करके एक नई स्टेम इसकी आई है, और अपने आप को देखिए ऊपर की तरफ इसने बढ़ा लिया है। इस तरह से आप पत्थर चट्टा के प्लांट को भी बॉटल्स में ट्राई कीजिए, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अभी मैं अपने इस फेवरेट प्लांट को कैसे भूल सकती हूँ, जी हाँ, जेड प्लांट। जेड प्लांट को तो आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए बॉटल्स में, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है क्योंकि एक परमानेंट प्लांट है।